दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के 5 ऐसे हाइलाइटिंग फीचर जिस कारण से आपको ये गाड़ी को कंसीडर करना चाहिए फॉर इंडियन रोड्स। और ये 5 ऐसे हाइलाइटिंग फीचर्स मैंने थोड़ा एनालाइज करके निकाला है, तो प्लीज़ वीडियो को क्या करना है एंड तक ज़रूर देखना है। और उससे पहले भी आपको क्या करना है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक करना है, नहीं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग को नहीं मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब से ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का अनाउंसमेंट हुआ है लोग लिटरली पागल हो गए, और जब से सिंपल वन का भी अनाउंसमेंट हुआ तो अब लोग कंफ्यूज हो गए। जब तक ओला स्कूटर आ रही थी तब तक लोग कंफ्यूज नहीं थे, लेकिन अब कंफ्यूजन हो गया है। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज करने का, तो आपको मैं 5 हाइलाइटिंग फीचर बताता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़ तो जो आपको देखने को मिलती है वो इजी अवेबिलिटी। और ये मैंने इसको फर्स्ट में क्यों रखा है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी गाड़ी है जो आप कहीं पे भी हो, कहीं पे भी इंडिया में कहीं पे भी हो, अगर वहाँ पे डिलीवरी पॉसिबल है कोई भी चीज़ की, तो ये गाड़ी आपको ज़रूर मिलेगी, जो कि हमने दूसरी कोई भी कंपनी में ये चीज़ नहीं देखी है। तो ये सबसे पहला जो हाइलाइटिंग चीज़ है वो यही है कि एनीवन कैन बाय दिस स्कूटर। और ऐसा नहीं है कि सिंपल एनर्जी भी नहीं कर रही, सिंपल एनर्जी का जो सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनका डिलीवरी टाइम थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओला। तो ओला इसलिए प्रेफर करना इनिशियल में ज़्यादा अच्छा है। एक समय के बाद तो बहुत सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ जाएगी भारतीय बाजार में, चाहे वो होंडा है, बजाज है, TVS है, बहुत सारी कंपनी और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स निकालने वाले, तो उनकी भी अवेलेबिलिटी अब आपको मिलने चालू हो जाएगी मोस्ट प्रॉबली 2022 से। अभी तो फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक का ही चलन ज़्यादा दिख रहा है। अब बात करते हैं सेकेंड हाइलाइटिंग चीज़ के बारे में, वो है इसके फीचर्स। वन ऑफ द बेस्ट फीचर आपको इन इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलता है इंडिया में, एथर से भी ज़्यादा आपको फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। लाइक यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो हिल होल्ड मिलता है, लेकिन ये ओला S1 Pro में मिलता है ना कि ओला S1। दोनों में कुछ कॉमन है लेकिन कुछ चीज़ें S1 Pro की है, तो आज मैं S1 Pro की ही डिटेल बताता हूँ। सेकेंड है क्रूज कंट्रोल। थर्ड इसका जो फीचर आपको देखने को मिलता है वो है नो की स्लॉट। यस, ये ओनली ऐप से ही आपका गाड़ी लॉक अनलॉक होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और इसमें यूज़ किया प्रॉक्सीमेट सेंसर, जिसके थ्रू जैसे ही आप इसके गाड़ी के पास जाते हैं ये अनलॉक हो जाएगा, जैसे ही उस रेंज से बाहर जाते हैं ये लॉक हो जाएगा। यहाँ पे आपको 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम दिया गया है, साथ में 3 GB की रैम मिलती है एंड मूव ओएस दिया गया है। वॉइस कंट्रोल आपको मिलता है बिल्ट इन स्पीकर्स है। यस, इस गाड़ी में स्पीकर्स भी दिए गए हैं। पर्सनलाइज मूड दिया गया है, लाइक आपका मूड जैसा है उस हिसाब से आप इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल को यानी डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं। टोटल 4 मोड्स इसमें दिए गए हैं। साथ में इसमें 4G एनेबल्ड आपको देखने को मिलता है, प्लस नेविगेशन, प्लस वाईफाई, प्लस ब्लूटूथ। लेकिन अभी इस पर कन्फर्मेशन नहीं है कि जो 4G कनेक्टिविटी है वो चार्जेबल है या सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, वो तो शायद आज या कल में कन्फर्म हो जाएगा, तो उसके ऊपर हम अपडेट कर देंगे। 36 लीटर का बूट स्पेस दिया गया, जिसमें आप 2 हाफ फेस हेलमेट ईजिली पुटअप कर सकते हैं। ये तो बात होगी फीचर्स की, सेकेंड हाईलाइट की। अब आती है थर्ड हाईलाइट, वो है इसकी बैटरी। यस, यहाँ पे आपको मैसिव बैटरी देखने को मिलती है एंड बैटरी का प्लेसमेंट इतना अच्छा है कि आपको बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो ओला S1 में 2.98 किलोवाट की आवर की बैटरी मिलती है एंड ओला S1 Pro में 3.97 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जो कि इम्प्रेसिवली 181 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड करती है, और ओला S1 में 121, विच इज़ अगेन क्वाइट गुड। लेकिन इसमें कंडीशन है कि आपकी जो ड्राइव होनी चाहिए वो होनी चाहिए सबसे बेस मोड में, जिसका नाम है नॉर्मल मोड में अगर चलाते हैं तो, जिसमें स्पीड है 40 से 45। अगर ये चलाते हैं तो ही आपको इतना रेंज मिलेगा। दोस्तों अगर अब मैं अगले हाइलाइटिंग चीज़ की बात करूँ वो है इसके मोटर। अब मोटर की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट मोटर आपको मिलता है, क्योंकि ये सबसे पावरफुल मोटर दिया गया है। 8.5 किलोवाट का मोटर मिलता है, जो कि 58 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है एंड इस गाड़ी की टॉप स्पीड है 115 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपको मिलेगी हाइपर मोड में मिलेगी, जिसमें आपको टॉप स्पीड 115 किलोमीटर मिलेगी, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा है। 0 to 40 ये 3 सेकेंड में कर लेती है एंड ये वन ऑफ द बेस्ट मोटर आप बोल सकते हैं एंड ये बेल ड्राइव के साथ आपको मिलेगी। अब आती है मेन चीज, वो है प्राइसिंग। अगर
प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग में आपको मिलता है जो बेस वेरिएंट है वो है 99,999 और जो टॉप मॉडल है जिसका नाम है ओला S1 Pro उसका प्राइस है 1,29,000। अब ये प्राइस के हिसाब से जो फीचर्स मिल रहे हैं तो उस हिसाब से देखेंगे तो प्राइस जस्टिफाई तो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि जस्टिफाई नहीं कर रहा है। डिज़ाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डिज़ाइन आप कौन सा पिक करना चाहते हैं, उस हिसाब से अगर देखना चाहेंगे तो दो ऑप्शन आपका सिंपल वन है और ओला है, लेकिन ओला की डिलीवरी बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है। प्राइसिंग में EMI भी सब कुछ वो लोग डिक्लेयर कर चुके हैं। बैटरी का जो वारंटी है वो स्टैंडर्ड वारंटी 3 ईयर्स होती है, लेकिन ओला की तरफ से ऐसा कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट से ये कन्फर्म रहता है कि 3 साल की आपको बैटरी की वारंटी मिलना कंपलसरी, तो मिलना कंपलसरी है। सब्सिडी 4 स्टेट्स में मिलेंगी जो कि स्टेट सब्सिडी है, प्लस जो सब्सिडी इंक्लूडेड है वो एक्स शोरूम प्राइस में आपको देखने को मिलती है, दैट इज 1,00,000 and 1,30,000 आफ्टर सब्सिडी, और स्टेट सब्सिडी इसके बाद लगेगी। सो टोटल ये कुछ 5 हाइलाइटिंग फीचर्स है इस गाड़ी के जिस कारण से आपको ये गाड़ी को कंसिडर करना चाहिए बिफोर यू गो फॉर ओला इलेक्ट्रिक। तो आप इस वीडियो को अगर अच्छे से देख पाए, अच्छे से समझ पाए तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते अगले वीडियो में, जय हिंद।